नेक्स्ट देखिए बच्चों, गले का हार। गले का हार का मतलब क्या होता है बच्चों? बहुत प्रिय, जैसे सुमन अपने व्यवहार के कारण सबके गले का हार हो गई है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आस्तीन का सांप, धोखा देने वाला मित्र। वाक्य प्रयोग देखिए इसका बच्चों, मीरा ने सीता से कहा, मैं मोहन पर विश्वास नहीं कर सकती, वह तो आस्तीन का सांप है, अर्थात वह धोखा देने वाला मित्र है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। इसका वाक्य प्रयोग देखिए बच्चों, आयुष को उल्लू बनाना आसान नहीं है, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान है, इसलिए उसको हम मूर्ख नहीं बना सकते, उसको हम उल्लू नहीं बना सकते। नेक्स्ट देखिए बच्चों, दाल में काला, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? शक होना। वाक्य प्रयोग देखिए बच्चों, पेड़ के पीछे से दो आदमी छिपकर देख रहे हैं, मुझे तो दाल में काला नजर आ रहा है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नाक कटना, इज्जत जाना, बेइज्जती होना। ठीक है, अगर बच्चों तुम गलत काम करोगे तो तुम्हारी भी नाक कट जाएगी, इसलिए तुम्हारे गलत काम करने के कारण ही तुम्हारी नाक कट जाती है ना? अगर तुम अच्छा काम करोगे तो तुम्हारी नाक नहीं कटेगी, है ना? हम इस तरह से इनको प्रयोग कर सकते हैं। तिल का ताड़ बनाना, इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। इसका वाक्य प्रयोग देखिए बच्चों, छोटी सी बात पर झगड़ा करके तुमने तो तिल का ताड़ ही बना डाला, झगड़ा और अधिक बढ़ा दिया। नेक्स्ट देखिए बच्चों, लाल पीला होना, इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग बनाएंगे इसका अब हम। अपनी बुराई सुनते ही राकेश गुस्से से लाल पीला हो गया, अर्थात क्रोधित हो गया, है ना? गागर में सागर भरना, है ना? ये गागर है और ये सागर है, तो गागर में सागर भरना, इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? कम शब्दों में बड़ी बात कहना। इसका वाक्य में प्रयोग बनाएंगे बच्चों, कबीरदास जी के दोहे ऐसे हैं जैसे गागर में सागर, अर्थात उन्होंने कम शब्दों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं अपने दोहों में। ठीक है, आई होप बच्चों आपको इन फ्लैश कार्ड के माध्यम से मुहावरे बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार आप खुद से इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको अच्छे से समझिए। ओके बच्चों, थैंक यू।